नमस्ते, मेरा नाम महर है और मैं आज ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस कोरोना वायरस के साथ बताने के लिए बना रही हूँ। पहले मैं बात करना चाहूंगी कि मेरे सिम्टम्स कैसे रहे एंड मुझे कोरोना वायरस हुआ कैसे। आप शायद जान के काफी सरप्राइज होंगे कि मुझे ये वायरस घर पे बैठे बैठे हुआ है एंड विदाउट एनी इंटरेक्शन विद एनी आउटसाइडर हुआ है। मैं किसी पे बिल्कुल नाम नहीं डालना चाहती क्योंकि मुझे पर्सनली पता था कि ये वायरस आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से मुझे इफेक्ट जरूर करेगा जिस हिसाब से चीजें चल रही है। तो ये वायरस मुझे अपने ही एक वर्कर से जो हमारे बिल्डिंग में काम करते हैं उन वर्कर के थ्रू आया। उनको सारे सिम्टम्स हुए बट वो बिल्कुल ठीक थे 5 दिन में। उसके बाद एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हुई एंड आज आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। पर मैं बिल्कुल भी किसी के ऊपर ये नाम नहीं डालूंगी कि किसी के कारण मुझे हुआ या उन्होंने कुछ किया, बिकॉज ये एक सच्चाई है कि ये वायरस कहीं से भी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है। एंड किसी पर नाम डालना, किसी डॉक्टर पर नाम डालना, किसी काम करने वाले पर नाम डालना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इससे करके कुछ नहीं होने वाला। सिम्टम्स की बात करें तो जो पहला सिम्टम मेरे हिसाब से जो था, जो नॉन फीवर रिलेटेड था, मेरे मुंह में 25 मई को एक बहुत कड़वा टेस्ट आया, एक बहुत ही मेटालिक बिटर टेस्ट आया। जिस दिन मैंने अपनी मदर को उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे मुंह में एक बहुत बिटर टेस्ट है एंड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस दिन अपनी सारी घर की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिव अप कर दी। मैं खाना नहीं बना रही थी किचन में, मैंने अपने यूटेंसिल्स अलग कर दिए एंड मैं किसी को पैनिक नहीं कराना चाहती थी, इसलिए मैंने ये चीज़ काफ़ी अपने एंड से सीक्रेटिवली करी ताकि मैं अपने तरफ से सबसे दूरी मेंटेन कर सकूं। मैंने मास्क पहना किचन में, कोई मेरे कमरे में आ रहा था मैं मास्क पहन रही थी ये बोल के कि हमारी बिल्डिंग में किसी को ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं अपने तरफ से प्रिकॉशन ले रही थी। 29 मई की सुबह जब मैं उठी तो मुझे हल्का फीवरिश फील हुआ और बॉडी गर्म फील हुई, बहुत मेरी टांगों में दर्द हो रही थी और बहुत बैक में दर्द हो रही थी। मुझे लगा शायद कि मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है पिछले दिन या वॉक ज़्यादा कर ली है तो मे बी इसलिए वो दर्द हो रही है, लेकिन वो दर्द उठने के 2-3 घंटे के बाद भी थी काफ़ी ज़्यादा और वो टेम्परेचर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा गर्म हो रही है। दूसरे दिन ये जब मेरे पास थर्मामीटर आया, सेम सिम्टम्स थे एग्जैक्टली, अभी भी मुझे फीवर था और वो फीवर थर्मामीटर के हिसाब से 101 पे था जब मैंने सुबह देखा और मेरी बॉडी में बहुत दर्द थी। मेरा दिमाग पूरी तरीके से घुमा हुआ था, अगर मैं इन शब्दों में बोलूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा देख रही थी तो मुझे लग रहा है मेरा दिमाग इस तरफ देख रहा था। मैं ये सिम्टम्स समझा नहीं सकती और वो दिमाग पूरी तरीके से घुमा हुआ था। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं उस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी टाइम पे बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है सिंस आपको कफ नहीं है, ब्रीदिंग इशू नहीं है, नोज नहीं बह रहा और ऐसा कोई लाइक प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे अग्री किया उनसे एंड उन्होंने मेरे को नॉर्मल पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg लेने को बोली। देखी जब मैं उठी सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम थे, बुखार 102 था एंड मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाथरूम तक जा सकूं। मेरे को हल्की हल्की सांस चढ़नी महसूस हुई उस दिन और हल्की सी खांसी चालू हो गई एंड बॉडी पेन अभी भी था एंड मेरे को बिल्कुल भी साइकोलॉजिकली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी और बहुत थकावट हो रही थी एंड मेरी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और कुछ भी खाने को ऐसा लग रहा था कि मैं वॉमिट कर लूँगी। तो इस टाइम तक मैंने अपना वेट डे 1 पे भी लिया था, 58 kg था एंड अभी डे 3 है वो 55 kg हो चुका था। तो एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग, एवरी सिम्टम दैट वॉज हैपनिंग वॉज जस्ट मेकिंग मी फील कि हाँ ये कोरोना वायरस ही है। एंड डे 4 जब मैं उठी मेरा फीवर 99 था, मुझे हल्की सी कफ थी, एपेटाइट नहीं थी बट ओवरऑल मुझे बेटर फील हो रहा था काफ़ी और थकावट नॉर्मल जो एक बुखार के रेजिडुअल सिम्टम्स होते हैं मैं कहूँगी वो मुझे उस टाइम भी हो रहे थे। डे 5 मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ, एपेटाइट अभी भी जीरो थी बिल्कुल। मैं ज़बरदस्ती फिर भी खा रही थी अपने तरफ से, थोड़ा बहुत जितना भी खाया जा रहा था मैं खा रही थी एंड मैं किचन में डे 5 पे गई थोड़ा सा बट मैंने मास्क पहना अपने तरफ से, लाइक कम चीज़ें छुई बिल्कुल एंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखा क्योंकि मुझे लगा कि बुखार चला गया है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम करने के लिए किचन में गई एंड डे 5 आई वॉज परफेक्टली फीलिंग बेटर, आई थॉट आई वॉज रिकवरिंग। ऑन डे 6 व्हेन मतलब अभी भी मेरे को ये सब थकावट और पेट में डिस्कम्फर्ट और ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी, मैंने अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हुए जब मैं वॉक कर रही थी मैंने बताया कि जब मैं बात कर रही हूँ मुझे काफ़ी सांस चढ़ रही है एंड मतलब मेरे से मेरी नॉर्मल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि मैं बात करते करते मुझे सांस चढ़नी शुरू हो जाए, तो मेरे को हर 10-15 मिनट में फ़ोन रख के सांस लेनी पड़ रही थी। उसके बाद जब शाम को मैंने खाना खाया, दिन का खाना मुझे काफ़ी फीका लगा, शाम का खाना मैंने फिर खाया वो फिर फीका लगा,
फिर उसके बाद सातवें दिन पे जब मैं सुबह उठी आई मेरे को अच्छा फील हो रहा था काफी, लाइक पहले से काफी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन सातवें दिन पे मुझे बिल्कुल टेस्ट और स्मेल आना बिल्कुल बंद हो गए। और मैंने उस दिन फिर डॉक्टर को कॉल किया एंड बोला कि प्लीज मेरे को टेस्ट कराने दीजिए। उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता आपको टेस्ट के लिए। फिर मैंने किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड मैंने उन्हें बोला कि मुझे अभी भी फीवर है, हल्का सा कफ है एंड ये सिम्टम्स है, आप प्लीज मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं टेस्ट कराना चाहती हूँ। उन डॉक्टर ने अग्री किया और ये आठवां दिन था कि उन्होंने अग्री किया, मेरे को शाम को प्रिस्क्रिप्शन मिली एंड नौवें दिन पे सुबह ये प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करी और अपॉइंटमेंट ली नेक्स्ट डे की, जो एक सैटरडे था, नेक्स्ट डे की मैंने अपॉइंटमेंट ली। और उनका ईमेल आया सबको सबमिट करने के बाद कि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सबमिट किया और कन्फर्मेशन मिल गई मेरे को, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। ग्यारहवें दिन पे हमने उनको फिर से फोन करे और उन्होंने कॉल उठाया और कन्फर्मेशन दी कि आपका जो एप्लीकेशन थी वो रिव्यू हो चुकी है, आप नेक्स्ट डे पे सुबह 11 बजे टेस्ट के लिए आ जाइएगा। तो बारहवें दिन पे, तीन दिन एक टेस्ट के लिए कोशिश करते करते, बारहवें दिन पे मुझे टेस्ट करने का मौका मिला। एनीवे, बारहवें दिन सुबह 11 बजे मैंने ड्राइव थ्रू टेस्ट बुक किया था। मैं गाड़ी में गई और टेस्टिंग प्रोसेस काफी सिंपल था। उन्होंने मेरा नोज से स्वाब लिया और थ्रोट से स्वाब लिया और बोला कि पेमेंट कर दीजिएगा और आपको अगले 24 से 36 घंटे में आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसी रात 11 बजे, 12 घंटे बाद एग्जैक्टली, मेरे को मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट तैयार है एंड मैंने रिपोर्ट खोली 12वें दिन पे रात को, तो उस रिपोर्ट में था कि आप पॉजिटिव हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पॉइंट पे शॉक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जहां तक पढ़ा था मेरे सारे सिम्टम्स कोरोना वायरस वाले ही थे और मैं अपने तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले रही थी इस पॉइंट तक कि ये चीज आगे ना पहुंचे। बट आज डे 14 है टेस्ट होने के 2 दिन बाद, मैं पिछले 5 दिन से कम्प्लीटली रूम के अंदर हूँ, उससे पहले भी रूम के अंदर थी बट कोई मेरा दरवाजा खोल रहा था और बात कर रहा था मुझसे, मेरा वो भी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो 5 दिन हो गए हैं मेरे को कम्प्लीट आइसोलेशन में एंड डे 14 है। आज के जो मेरे सिम्टम्स हैं, आई स्टिल हैव नो टेस्ट, नो स्मेल, मेरी एपेटाइट थोड़ी सी वापस आई है, बट अगर मैं कुछ खा रही हूँ अभी भी मेरे को काफी उल्टी जैसा फील होता है और अभी भी काफी थकावट है, बट उसके अलावा मुझे कोई सिम्टम नहीं है। और ये डे 14 है, जिस दिन से फीवर चढ़ा था उस दिन से लेके आज डे 14 है। और कमिंग टू द थर्ड थिंग, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएशन लिया ये जान के कि मुझे कोरोना वायरस है, मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया लाइक उसी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे को टेस्ट मिला 12वें दिन पे। 13वें दिन मॉर्निंग मुझे फोन आया संडे के दिन कि मैम आपने क्यों टेस्ट कराया, आपके क्या सिम्टम्स है, क्या आपके पास एक अलग बाथरूम है, आपके घर में कौन कौन है, क्या आपको पता है आपको कैसे हुआ। एंड मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करी एंड उनसे पूछा कि मेरे को आगे क्या करना है। उन्होंने बस मुझे बताया कि हम आपको HCQ दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आई थिंक भेजेंगे, जो आपने अपनी मदर को देनी है। उन्होंने बस बोला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे आपके घर के बाहर सर्कुलर लगाएंगे एंड सैनिटाइजेशन करेंगे, दैट्स अबाउट इट। और अगर आपको कोई भी जरूरत है तो प्लीज इस हेल्पलाइन पर फोन कीजिएगा एंड हम एम्बुलेंस या जो भी हो सके भेजेंगे। एंड नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डे 14 जो आज है, आज सुबह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो वर्कर्स हैं वो मेरे घर आए नीचे तक। उन्होंने बस एंट्री वे मेरी बिल्डिंग का सैनिटाइज करा, फोटो खींची एंड चले गए। ये मेरी अब तक की जर्नी रही है कोरोना वायरस के साथ एंड आगे भी जो भी होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपडेटेड रखूँ, ताकि आगे ये एक्सपीरियंसेस किसी को भी हो। प्लीज 5 चीजें याद रखिएगा। नंबर 1, अगर आपको हल्का सा भी अनवेल फील होता है, आपको लगता है कि आपको बुखार खांसी हल्का सा भी लग रहा है ना, अपने आप को अलग कर लीजिए, अपने बर्तन अलग कर लीजिए, अपने रूम में आइसोलेट हो जाइए अगर आपके पास ऑप्शन है, अपना बाथरूम अलग कर लीजिए, मतलब आप उसे कोरोना वायरस की तरह ही ट्रीट कीजिए। मुझे नहीं पता अब कि कितने लोगों की टेस्टिंग हो पाएगी और क्या सिचुएशन रहेगी अब जब केसेस बढ़ेंगे, तो प्लीज हल्की सी भी तबीयत खराब को आप कोरोना वायरस की तरह ट्रीट कीजिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए कम्प्लीटली। अगर आप यंग है, हेल्दी है, तो चांसेस है कि आप रिकवर कर जाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे ठीक से तो आप रिकवर कर जाएंगे, तो प्लीज अपने आप को आइसोलेट कीजिए। दूसरा, जो चीजें आप एक वायरल इन्फेक्शन में रेगुलरली अपना ध्यान रखने के लिए करते हैं वो कीजिए, पानी पीजिए, ठीक से खाना खाइए, अपने सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, विटामिन जो आपके बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है। और अगर आप अल्कोहल पीते हैं, अभी भी स्मोक कर रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, प्लीज अल्कोहल मत पीजिए, स्मोक मत कीजिए। अगले 15-20 दिन बहुत क्रूशल है हम सबके लिए एंड हमको ये चीज नहीं आगे बढ़ानी। नंबर 3, अगर आपके घर में कोई भी हाई रिस्क ग्रुप पे है,
प्लीज उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, उनसे दूर रहिए, ऐसे पागल मत फील कराइएगा किसी को। लेकिन अपने तरफ से हमें नहीं पता कि हमें वो वायरस है या नहीं, क्योंकि 15 दिन तक लग सकते हैं ये दिखाने के लिए कि आपको कोई भी सिम्टम है। तो प्लीज अपने फैमिली वालों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। चौथा, अपने तरफ से हाइजीन की सारी प्रिकॉशंस लीजिए। अपने बर्तन हो सके तो अलग ही रखिए अपने पानी में, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। और कोई भी ग्लास खाना वगैरह शेयर मत कीजिए फिलहाल। एंड पांचवा, प्लीज अपना एटीट्यूड इस चीज के टूवर्ड्स इजी गोइंग तो बिल्कुल भी ना रखिए, लेकिन पैनिक ना करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना है, नहीं है, प्लीज अपने घर पे रहिए, कमरे में रहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको रेगुलर दवाइयां जो वो बोलेंगे प्लीज कंज्यूम कीजिए। एंड आप अपना ध्यान जितना रख सकते हैं रखिए। एंड आई होप कि आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, आपको इस चीज के थ्रू ना निकलना पड़े। लेकिन अगर आप निकल रहे हैं, प्लीज याद रखिए आप अकेले नहीं है।